अस्सलाम वालेकुम। नाज़िया की रसोई में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं बहुत ही टेस्टी डिश बनाने जा रही हूँ, वो है पनीर टिक्का। पनीर टिक्का बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 200 ग्राम पनीर लिया है। ये मैंने कुछ बड़े क्यूब में काटे हैं, कुछ छोटे क्यूब में काटे हैं। टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च को मैंने इस तरह से क्यूब में काट लिया है। उसके बाद हमें जो चाहिए वो है भुना हुआ बेसन। ये 1 टेबल स्पून है। मैंने इसमें हल्की आंच में इसे भून लिया था, तेज आंच में ना भूना वरना जल जाएगा ये, तो मैंने अच्छे से इसे भून लिया था। ये 1 टेबल स्पून है। और जो मैं चाहिए वो है दही। ये रहा दही, 1 टेबल स्पून दही है। उसके साथ हमें चाहिए क्रीम। उसके साथ हमें चाहिए कसूरी मेथी, लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला, नमक, और ये भुना हुआ जीरा पाउडर है, और ये ओरिगेनो है, ऑप्शनल है, अगर देंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और ये अजवाइन है, आप देख सकते हैं ये अजवाइन है। तो मैं अजवाइन को थोड़ा सा क्रश कर लूँगी, मीन्स इतना सा, देखिए आप एक चुटकी कह सकते हैं इसको आप। तो इसे मैं सबसे पहले थोड़ा सा हाथ से, नहीं क्रश होगा ये, तो मैं इसे थोड़ा सा ऐसे कर दूँगी एक दो बार। मार्केट का क्रीम नहीं है, घर की मलाई है, तो वही मैं डाल रही हूँ, 1 टीस्पून, और ये थोड़ा सा लिक्विड, 1 पिंच के करीब हल्दी, 2 पिंच के करीब जीरा पाउडर भुना हुआ, थोड़ी सी लाल मिर्च, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, सिर्फ अच्छा दिखने के लिए, तीखा नहीं है ये, थोड़ा सा गरम मसाला भर के 1 चुटकी है, नमक टेस्ट के हिसाब से। पनीर में नमक आप बहुत एहतियात से डालें, क्योंकि अगर ज़्यादा नमक हो जाएगा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा सा मैं ये डाल दूंगी, आप देख सकते हैं इतना है ये मैं डाल देती हूँ। और ये भुना हुआ बेसन, 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी है, बस। अब इसे अच्छे से मिला लें। अगर आपको अंदाज़ा ना हो रहा हो तो यहाँ पे आप नमक को थोड़ा सा चख लें। और अब ये सारे पनीर को मैं डाल दूंगी, इसे अच्छे से मैं कोट कर दूंगी। तो अब देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से कोट कर दिया, और मैं इसे आधे घंटे के लिए रख दूंगी। और ये जो मैंने दिखाया था इसे मैं अभी साइड में रख दूंगी, मैं इसके साथ नहीं मिक्स करूंगी, ये सॉफ्ट हो जाएगा नमक की वजह से, तो इसे मैं बाद में मिक्स करूंगी। तो इसे मैं आधे घंटे के बाद मैं फ्राई करती हूँ, तब मैं दिखाऊंगी। मेरे पास छोटा स्क्यूअर नहीं है, बेम्बू का भी इंतज़ाम नहीं है मेरे पास, तो मैं इसी में डालूंगी। अब मैं इसको मैरिनेट कर देती हूँ इसके साथ। ऐसे कर करके हम लोग, हमें अरेंज कर लेना है, एक कैप्सिकम, एक अनियन, एक पनीर, एक टोमेटो, इस तरह करके। देख सकते हैं मैंने सारे को ऐसे कर लिया है, तो इसमें जो भी मसाला है इसे हम फेंकेंगे नहीं, ऐसे से करके लगा देंगे जब हम लोग तवा में डालेंगे तब। तो चलिए आगे का दिखाती हूँ मैं। तो ये मेरा तवा गर्म हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच बटर डाला, और मैंने ये बटर में डाल दिया। आप यहाँ पे अगर घी डालना चाहें तो घी भी डाल सकते हैं, ऑयल डालना चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं, मैंने बटर डाला है। तो सारे को मैं ऐसे करके रख दूंगी, और जो सा मसाला लगा हुआ है ये भी हम डाल देंगे इसके ऊपर। जब ये एक तरफ से पक जाएगा फिर मैं इसे पलट दूंगी दूसरी तरफ, और मैं मीडियम फ्लेम पे पका रही हूँ, तेज आंच में मैं नहीं पका रही हूँ, थोड़ा मसाला पक जाए, ऐसे ऐसे करके मैं अच्छे अच्छे से पका लूंगी। ये एक तरफ से हो गया मेरे ख्याल से, तो मैं इसे दूसरे तरफ कर दूंगी ऐसे करके, ऐसे ही पलटते हुए मैं चारों साइड पका लूंगी इसे। मैं इसी तरह चारों तरफ से पलट पलट के इसे पका लूंगी, फिर मैं आगे का दिखाती हूँ आपको। तो ये चारों तरफ से पक गया है बहुत अच्छे से, आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें क्या करूँगी, स्मोक दूंगी। आप इसमें चाहे तो चारकोल डाल के, अगर आपको चारकोल इजी लगे तो यहाँ पर चारकोल डाल के स्मोक दे सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट स्मोक दूंगी। तो स्मोक देने के लिए या तो आप इसमें ऐसे करके डाल दें इसको, थोड़ा सा स्मोक देना है इसमें, बहुत ज़्यादा स्मोक नहीं देना है, अगर आप बहुत ज़्यादा देंगे तो ये
कड़वा हो जाएगा, जल जाएगा। तो आप इस तरह डाल के स्मोक दे सकते हैं, या फिर दूसरा इंतजाम आपके पास हो तो उससे भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका पहले तो उससे है, दूसरा तरीका ये है कि आप इसमें थोड़ा सा डाल के और गैस जला दीजिए, या फिर अगर आप चारकोल जला के देना चाहते हैं तो उससे भी दे सकते हैं। तो मुझे इस तरह ज़्यादा पसंद है। चारकोल अगर हम लोग डायरेक्ट बारबेक्यू करें तो वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन इस तरह का आप दे सकते हैं, इससे भी अच्छी खुशबू आ जाती है बारबेक्यू की। तो ये बिल्कुल स्मोकी फ्लेवर पनीर टिक्का रेडी है, आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं इसे सर्व कर देती हूँ और आप इसे ज़रूर से ट्राई करें, ये इतना टेस्टी होता है, बस मैं क्या बताऊँ आपको। तो आप देख सकते हैं इसे मैंने सर्व कर दिया, ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। आप सिर्फ इसे ही पेट भर के खा सकते हैं, आप इसे ज़रूर से ट्राई करके देखें। और अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।